birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my princess. Happy birthday to you. Yay! क्या भाग गया? डर गई बिचारी, मैंने डरा दिया उसको. गाइस कैसे हो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. आज है 13th Jan, जो कि मेरा बर्थडे का दिन है. एंड सुबह मैं जाके मंदिर जाके आ गई थी. एंड अभी बजे हैं 12 और अभी मुझे निकलना है पार्टी के लिए, क्योंकि दिन में कर रहे हैं और इस बार ना हम लोग फैमिली के साथ कर रहे हैं और रात में नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है. तो इसीलिए दिन में ही करना हम लोग को सही लगा. तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करूंगी, देन मैं अभी तैयार होंगी, फिर जाएंगे वेन्यू में. एंड या अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना. अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. 1 hour later. सो गाइज, आई एम रेडी एंड दिस इज माई आउटफिट, जो मैं आपको जाके दिखाऊंगी लोकेशन पे. सो काइंड ऑफ ब्लेजर टाइप का इस टाइप में किया हुआ है और डिजाइन बाय माय बी. सो आई एम सुपर एक्साइटेड और दिन में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, बहुत ही मजा आने वाला है. तो अभी जाएंगे हम लोग लोकेशन पे, तो वहाँ पे फटाफट मिलते हैं. तो ये हम लोग जा रहे हैं लोकेशन की तरफ मेरे फैमिली के साथ. तो मैं एक एक करके मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलाऊंगी, बट पापा से नहीं मिला पाऊंगी क्योंकि पापा नहीं आए. पापा बोले संडे है, आप लोग एंजॉय करो, मैं घर पे रहूँगा. और पापा ने मुझे बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है यार, थैंक यू सो मच पापा. और हाँ, पापा से कभी मैं बाद में आपको मिला दूँगी, बट अभी मैं मिलाऊँगी मेरी मम्मी एंड मौसी लोग से. तो काफ़ी अच्छा मौसम था दिन में और अच्छा लग रहा था सारे फैमिली के साथ जाने का. और या आई एम एंजॉय माई सेल्फ. गाइस, हम लोग लोकेशन पहुंच गए हैं. यू कैन सी द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू. और ये है राउरकेला का सरोवर कोर्ट, आपको पता होगा. तो यहाँ पे हम छोटा सा दीदी ने ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मुझे अंदर जाने के लिए, मतलब अभी वो बोल रही बाहर ही रहो, पता नहीं धूप आ रहा है, 1 second. तो अभी मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, लोकेशन का मज़ा ले. ओके, तो वहाँ भी जा रही हूँ मैं जहाँ पे डेकोरेशन किया गया है. तो चलिए चलते हैं. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear princess. पीछे बहुत सारे गुब्बारे, बहुत मज़ा आया, सेलिब्रेशन हो गया. तो अभी मैं एक एक करके मेरे फैमिली को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ. तो आज मेरे साथ है मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरी दीदी तो होती है, और नानी है मेरी, मेरा छोटा भाई है, मेरे मामा का बेटा. तो आज फैमिली वाला बर्थडे हो रहा है पहली बार, क्योंकि दोस्तों के साथ मना रहे थे बट दोस्त सारे ना कहाँ शादी करके चले गए, तो अभी बस फैमिली के साथ ही मना रहे. तो काफ़ी मज़ा आया, देख सकते हो बैकग्राउंड दीदी वहाँ पे कुछ कर रही है. जैसे कि मैंने बोला मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो यहाँ बैठे हुए हैं धूप में मेरी मम्मी, मेरी नानी और मेरी मासी. तो ये इधर
मेरी मम्मी है, मम्मी हाय बोल दो। हाय। और यहाँ मेरी प्यारी सी नानी बैठी है, धूप सेक रही है। और यही मेरी, ये मेरी मौसी, सबसे छोटी वाली मौसी है। और सब मौसी बाहर रहते हैं तो वो आ नहीं पाए, तो बस यहाँ पे सब मिलके रहते हैं। और मेरा छोटा सा भाई वो वहाँ पे गेम खेल रहा है बैठ के, मैं उसको मिलाती हूँ। तो ये है मेरा भाई, देख सकते हो क्या खेल रहे हो, फ्री फायर। फ्री फायर खेल रहे हो, देख सकते हो वो पूरा प्रो है, पता है वो सारा का सारा लेवल पार कर चुका है, अभी भी लगा पड़ा है। तो उसको छोड़ देते हैं, वो खेलते रहे। और मेरी यहाँ पे बिजी भी मेरी दी, देख सकते हो एकदम बिजी है वो, बिल्कुल भी कैमरे में आने के लिए एकदम बोल रही है मेरे पास टाइम नहीं है। वो अभी मेन्यू पूछ रही है किसको क्या क्या खाना है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर। वो अभी खाना खाएंगे लंच, और कुछ स्पेशली खाएंगे, तो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ कैसा क्या है यहाँ पे। ये है पूरा लोकेशन, ये अंदर आप रेस्टोरेंट टाइप का है, अंदर बैठ के भी खा सकते हो। यहाँ पे बेसिन वगैरह हाथ धोने के लिए, उधर टॉयलेट है, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बच्चे उनके लिए खेलने का भी है। और देख सकते हो यहाँ पे झूला है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए है, चाहे तो मैं भी बैठ सकती हूँ। तो आगे ऐसे पार्क टाइप का है, आप टहल सकते हो, और यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। चारों कॉर्नर पे ना इस टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, मैं उसके पास जाती हूँ। देख सकते हो वहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, तो मैं धीरे धीरे जा रही हूँ उसके पास। मेरे पास एक छोटू सा ग्रे कलर का बिल्ली है, मुझे उसको देख के याद आ गया, क्या भाग गया। ओए, छुप रहा है, छुप रहा है, मैंने डरा दिया उसको। यहाँ पे आके ना बुक करना चाहते हो तो पहले आप बोल दीजिएगा, ऐसे डेकोरेशन करके वो लोग देंगे। और रात को भी आप डेकोरेशन करवा सकते हो यहाँ पे, जैसे लाइट वगैरह लगा हुआ है, बट हम लोग को दिन में चाहिए था। रात में होता है ना तो लाइट वगैरह जलता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट हम लोग को दिन में ही चाहिए था। दिन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा चल रहा है और धूप है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप भी आना चाह रहे हो तो पूरा एड्रेस दे दूँगी यहाँ का, लोकेशन का, तो आप भी आके विजिट कर सकते हो। और अभी प्लेट अरेंज हो रहा है, अभी खाना भी आएगा, और यहाँ पे नानी बैठी है तो अभी आएगा थोड़ी देर में, और करेंगे हम लोग हमारा लंच। नानी आपको भूख लग रहा है? खुशी में भूख गायब हो गया बाबू, तुमको भूख लग रहा है? उसको लगा बेचारे को। तो ये हमारा मटका जो मटन है, अनबॉक्सिंग हो गया है, लुक हाउ डिलीशियस। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया बैम्बू प्रॉन, मैंने चिकन ट्राई किया है, कभी प्रॉन ट्राई नहीं किया है। बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक बैम्बू का ना बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है। यू कैन सी हाउ डिलिश, प्रॉन जो है निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको निकाला जा रहा है। तो ये हमारा जो प्रॉन है, देख सकते हैं मसालेदार, बहुत ही अमीर लग रहा है, कांट वेट टू टेस्ट इट। सब हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। मेरा भाई जो है वो टिश्यू से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या बोट बना रहे हो? बना बोट बना दिखा। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं, आज का लंच काफी यमी है, तो चलिए टूट पड़ते हैं। हमारा गर्मा गर्म मटन सर्व हो चुका है। गाइस कमेंट करके बताना कि किस किस को मटन पसंद है, ठीक है? तुमको शिमला मिर्च पसंद है? अच्छा, नहीं उसको पसंद है, बोला कि मैं सिंचर नहीं हूँ, बोला कि उसको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, तुमको पसंद है ना? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम लोग लंच कर लिए हैं, तो अभी बहुत सारे गिफ्ट मुझे मिला है सबके तरफ से, तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, देखेंगे क्या क्या है। और खाना बहुत अच्छा था गाइस, अगर आप भी आ रहे हो ना सरोवर फोर्ट, तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, और आप बिल्कुल विजिट करिएगा एक बार। तो चलिए गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मुंह पे कौन लगा देता है?